राजधानी रायपुर का जिक्र करेंगे, जहां लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। युवक को एक बार फिर से चाकू मारा गया है। ओवरटेक करने से मना करने पर युवक के साथ चाकूबाजी हुई है। गंभीर हालत में इलाज युवक का लगातार जारी। मुजगहन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। घटना के बाद से आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। राजधानी में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई, विवाद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए। हालांकि आपसी विवाद रहा, बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने की वजह से आक्रोशित हुए और उसके बाद विवाद बढ़ा और चाकू मारकर वहां से आरोपी फरार हो गया। सही कि युगल इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात, क्या जानकारी इस पर? ये देखिए, ओवरटेक करने की बात को लेकर के पूरा विवाद हुआ था और जो पीड़ित संतोष सिंह है वो जा रहा था। इसी दौरान जो देवनारायण और दुर्गेश है दोनों ओवरटेक करते हैं और गलत तरीके से गाड़ी चला रहे थे और जब संतोष जी ने मना किया तो उस पर तय सा करके उस पर कई जगहों पर चाकू से वार किया है। पेट और सीने में गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए उन्हें भेजा गया। फिलहाल पुलिस इन फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अभी दो दिन पहले ही एक जो गुंडा आदतन गुंडा बदमाश था उसने भी चाकू मारकर फरार हुआ था। हालांकि उस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी फिलहाल इस संतोष सिंह को जिन दो लोगों ने चाकू मारा है उसकी तलाश अभी पुलिस कर रही है। और इस तरह से राजधानी में चाकूबाजी की घटना है वो लगातार सामने आ रही है। छोटी छोटी और मामूली सी बातों को लेकर के इस तरह से तहस में आते हैं और चाकू से हमला करते हैं। जी बिल्कुल, इस वारदात के आंकड़े भी अब लगातार युगल चौंका रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी को साझा करने के लिए।